दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, वो जो टूटते हैं और बिखर जाते हैं, और एक वो जो टूटते हैं फिर निखर जाते हैं। जसप्रीत बुमराह दूसरे वाले। जसप्रीत बुमराह जब 2022 के T20 वर्ल्ड कप में चोटिल होकर बाहर हो गए थे और सारी दुनिया ये कह रही थी कि अब टेस्ट मैच तो नहीं खेल पाएगा बुमराह, अब बुमराह अपनी परफॉर्मेंस से मानो उन सभी को जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं, गुरु एक बार जरा ICC की रैंकिंग देखकर देखो, वो जो नंबर वन रैंकिंग की लिस्ट है उसमें बुमराह नंबर वन है। बूम बूम नंबर वन, मतलब कमाल की कहानियां। शुएब अख्तर ने कहा था बुमराह का एंगल ऐसा है कि चोट लग जाएगी, नहीं लौट पाएंगे, ये होगा वो होगा, पचासों बातें बुमराह को लेकर कही गई, लेकिन बुमराह आए और बताया कि यार उनकी जगह कौन सी है। दुनिया के नंबर एक गेंदबाज अब बन गए हैं जसप्रीत बुमराह, और अब तो सारी दुनिया कहने लगी यार कि ही इज द मोस्ट कंप्लीट क्रिकेटर इन मॉडर्न एरा। मुश्किल रहीम को वो जो बुमराह ने बोल्ड मारा था स्पिन वाले स्टाइल से, बॉल ऐसे लगभग 4-5 इंच कटकर आई और ठक से गिल्लियां उड़ा गई, मतलब स्किल का इस लेवल में पहुंच जाना ये इतना आसान नहीं है। वो आर्टिस्ट वाला काम था जिस को बुमराह ने किया था, वो जो आर्ट दिखी थी कि बॉल टप्पा खाई और फिर ऐसे घूम के गई, ऐसा स्पिनर्स के साथ होता है, तेज गेंदबाजों के साथ नहीं होता है, बट बुमराह ने करके दिखाया। और बुमराह चोट के बाद जब से लौटे हैं वो अलग लौटे हैं भाई। आप पूरा IPL देख लीजिए, पूरे IPL में दुनिया के सारे बड़े गेंदबाज थे वो 10-11-12 इकॉनमी से पिट रहे थे, बुमराह इकलौते बॉलर थे जो 6 इकॉनमी से पिट रहे थे, चढ़ रहे थे, प्रेशर बना रहे थे, सड़क पर भी रन नहीं दे रहे थे। फिर T20 वर्ल्ड कप आया, T20 वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह वॉज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। युवराज सिंह के बाद हमारी मेमोरी में वो दूसरे प्लेयर हैं जिन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है जब हमने वर्ल्ड कप जीता हो, कपिल पाजी का जमाना लगता। फिलहाल वो टेस्ट में नंबर वन बॉलर है, ODI में भी top 10 में है, और टेस्ट क्रिकेट जिसे बेस्ट क्रिकेट कहते हैं, इस साल बहुत सारे टेस्ट मैचेस हैं और इस साल ही बुमराह की वापसी हुई है, वहां पर वो अनमैचेबल है भाई। हवा नहीं लग रही यार लोगों को, अश्विन जैसे गेंदबाज को इंडिया में रिप्लेस करके नंबर वन बनना, दैट्स नॉट ईजी। सच कहा था जब उनसे पूछा गया था कि हु इज द मोस्ट फिटेस्ट प्लेयर, तो उन्होंने कहा मैं, क्योंकि इंडिया में स्पिनर्स का बोलबाला रहा है, पहले कुंबले थे, हरभजन थे, वो भी जलवा उनका बरकरार था, अश्विन जडेजा का जलवा जब से है तब से बरकरार है, बीच में कुलदीप अक्सर आते हैं वो भी छा जाते हैं, बट इन सब के बीच में तेज गेंदबाज का आना और वर्ल्ड क्रिकेट की रैंकिंग में टेस्ट में जिसे बेस्ट फॉर्मेट कहते हैं इंडियन कंडीशंस में नंबर वन बनना, दैट्स नॉट ईजी एट ऑल, एंड दैट्स वाई जसप्रीत बुमराह इज वेरी स्पेशल प्लेयर। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में तेज गेंदबाज नंबर वन बन जाए हैरानी नहीं है, इंडिया में नंबर वन बनना ये अपने आप में कमाल है। बुमराह ने पहले मैच में 5 विकेट निकाले, दूसरे मैच में 6 विकेट निकाले, स्पिन फ्रेंडली पिच पर 11 विकेट 2 मैच में निकालना, ये कंसिस्टेंसी की पहचान है। और आप इमेजिन कीजिए यही बुमराह जब ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जाएंगे तो क्या कमाल वो ढा सकते हैं। 2024 में टेस्ट क्रिकेट में 7 मैच बुमराह ने खेले और 7 मैच में आपको जानकर हैरानी होगी कि 38 विकेट निकाले, यानी हर मैच में वो 5 विकेट कम से कम निकाल रहे ऑन एन एवरेज। अगर आप देखो 7 मैच 38 विकेट, 2 5 उनके हैं, 4 विकेट जो है वो 2 बार निकाले, बेस्ट 6 विकेट 45 रन देकर है। मतलब रोहित शर्मा आज के टाइम में बेस्ट कैप्टन नजर आ रहे हैं क्योंकि आपके पास बुमराह जैसा प्लेयर है, कमाल है। जस्सी भैया ये वो खिलाड़ी है जो वंस इन अ जनरेशन है। हमारे पड़ोस पाकिस्तान से भी कह दिया गया था कि इंडिया वर्ल्ड कप इसलिए जीती क्योंकि इंडिया 10 खिलाड़ी और 1 रोबोट के साथ खेली थी, रोबोट जिसका नाम बुमराह है, जो कंसिस्टेंसी की पहचान है, अनमैचेबल है। जस्सी जैसा कोई नहीं है, कोई आसपास नहीं है, कोई नहीं दूर दूर तक। ही इज वन ऑफ द लेजेंड या वंस इन अ जनरेशन बॉर्न प्लेयर है, कमाल है यार बुमराह, कमाल है, मतलब अनमैचेबल, ही इज अनमैचेबल। किसी देश किसी कंडीशन में आप खिला दो, बुमराह से बेहतर इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में कोई भी प्लेयर नहीं है किसी भी फॉर्मेट में, T20, ODI, टेस्ट, जस्सी बेस्ट।